और सभी ने ध्यान देना है। तो हमारा जो टॉपिक्स है वो फोर्थ है, तीन टॉपिक्स हम पढ़ा चुके हैं। तो टॉपिक्स जो फोर्थ है बेटा, उसको ध्यान से देखना है कि उसमें क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। तो टॉपिक्स फोर्थ में हमें पढ़ना है डेप्रिसिएशन, जिसे हम घिसावट कहते हैं। और ये डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में इनमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? मशीन, बिल्डिंग, जो फिक्स है एक जगह, जिनको हम मूव नहीं करते इधर उधर। और हिंदी में हम कहते हैं स्थायी या स्थिर पूंजी का उपभोग। तो एक टॉपिक बेटा आपने ध्यान देना है, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग ध्यान देते हैं, थोड़ा समझना है सब बच्चों ने। तो हमारा टॉपिक था, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बच्चों कि फिक्स्ड एसेट्स होते क्या हैं, स्थिर परिसंपत्तियां। तो स्थिर परिसंपत्तियां जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, वो जो फर्मों के पास, कंपनी के पास और जो भी कॉरपोरेट होते हैं उनके पास जो कैपिटल्स होते हैं, उन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। तो थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। फिक्स्ड एसेट्स में सबसे पहले आता है लैंड आता है, ठीक है। लैंड जैसे ज़मीन है, तो ये लैंड जो है ये फिक्स्ड एसेट्स है फर्मों के पास। दूसरा बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स है फर्मों के पास। तीसरा फर्मों के पास जो फर्नीचर है, ये सारा फर्नीचर जो फर्मों के पास होता है उसे हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। और फर्मों के पास जो फैक्ट्रीज हैं सारी, बिल्डिंग, वो सारी फिक्स्ड एसेट्स हैं। और इक्विपमेंट होते हैं, टूल्स होते हैं, सही है, छोटी मोटी मशीनें होती हैं, ये सब इक्विपमेंट, ये सब फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं बच्चों। तो फिक्स्ड एसेट्स में ये सब चीज़ें आती हैं, लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये फिक्स्ड एसेट्स हैं सब, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, जब हम इनका यूज करते हैं या यूज नहीं करते, तो जैसे जैसे पासिंग ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरता है, इनकी वैल्यू कम हो जाती है। और इनकी वैल्यू का कम होना ही डेप्रिसिएशन कहलाता है। सिंपल सी बात है, आपने अगर फर्नीचर खरीदा है 1,000 रुपये का, अब वो जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी वैल्यू कम होती जाएगी, चाहे आप यूज करो या चाहे यूज मत करो, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन यूज। तो यूज करने से जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। स्थिर परिसंपत्तियों का प्रयोग करने से जो उनका मूल्य कम हो जाता है उसे घिसावट कहते हैं। और बच्चों घिसावट का एक और नाम है स्थिर पूंजी का उपभोग, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। तो ये धीरे धीरे डेप्रिसिएशन होता गया और ये वैल्यू धीरे धीरे कम होती गई, ठीक है। पहले जैसे इतनी वैल्यू थी, फिर कम हो गई, फिर कम, ये डेप्रिसिएशन हो गया। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं डेप्रिसिएशन अभी, और हम लोग तो एक टॉपिक के ऊपर पूरा डिटेल में और डीपली पढ़ रहे हैं ना बेटा, ताकि पूछने वाला कैसे भी पूछे और हम आंसर दे दें, ठीक है। केवल इतना ही समझना इनफ नहीं है कि वैल्यू का कम हो जाना डेप्रिसिएशन है। अब वैल्यू कम होने के कारण भी तो होते हैं। अब हमें समझना है कि डेप्रिसिएशन जो वैल्यू कम हो जाती है उसके रीजंस क्या हैं, उनके कारण क्या हैं, उनके कॉजेज क्या हैं, वो कारण हमें समझने। तो बच्चों पहला कारण क्या होता है? नॉर्मल वेयर एंड टियर, सामान्य टूट फूट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? डेप्रिसिएशन के कारण मशीनों की वैल्यू जो कम हो जाती है, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जब उनकी वैल्यू कम हो जाती है, तो उसके उसके रीजंस क्या है, उसके कारण क्या है? तो पहला कारण है नॉर्मल वेयर एंड टियर। ये क्या होता है बेटा नॉर्मल वेयर एंड टियर? दूसरा कारण क्या है? एक्सीडेंटल डैमेज, दुर्घटना। तीसरा कारण है यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेंसिस, प्रत्याशित अप्रचलन। तो एक एक करके समझते हैं। जैसे ये एक मशीन जो है टेलर ने नहीं खरीदी, अब जैसे जैसे समय बीतता गया ये इसमें जो है मशीन पुरानी हो गई, इसमें स्क्रैच आ गए, ये थोड़ी बहुत टूट फूट गई। तो समय के साथ साथ मशीन जो है पुरानी हो जाती है, उसमें स्क्रैच आ जाते हैं। तो अब जब हम इसे बेचेंगे तो ये उतने की थोड़ी बिकेगी जितने की खरीदी थी, तो हम बोलेंगे इससे डेप्रिसिएशन आया है। तो डेप्रिसिएशन के कारण क्या है? कारण है नॉर्मल वेयर एंड टियर, नई मशीन समय के साथ साथ और उसका यूज करने से धीरे धीरे पुरानी हो जाती है, जिससे वैल्यू कम हो जाती है। एक्सीडेंटल डैमेज, एक ऑटो वाले ने एक नया ऑटो खरीदा,
अब उसकी वैल्यू कम हो गई, तो उसकी वैल्यू कम होने का एक कारण क्या है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, तब भी तो जो फिक्स्ड एसेट्स है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब ये बच्चों तीसरा जो पॉइंट है, ये तो दो तो बहुत ईजी हैं समझ में आ गए, तीसरा पॉइंट देखते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेट, अप्रचलन। अप्रचलन क्या है बच्चों, आप देख रहे हो बेटा ये जो चित्र मैंने बनाया है इसमें देख रहे हो, ये टीवी देखो बेटा, पुराने टाइप का टीवी है। अब इस टाइप का टीवी किसी के घर में नहीं होगा, और ये आदमी टीवी देख रहा है, तो टीवी क्या है थोड़ा मोटा है, बट देखने वाला थोड़ा यहाँ पतला है। अब क्या हुआ बेटा, ऑब्सोलेट का मतलब होता है आउटडेट, आउट ऑफ फैशन, कोई चीज़ मार्केट से आउट हो गई है, अब उसे अपडेट आउटडेट हो गई है, आउट ऑफ फैशन हो गया है, तो हम बोलेंगे अप्रचलन, ऑब्सोलेंसेस। अब क्या हुआ बेटा, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब नई टेक्नोलॉजी में जो मोटा टीवी है वो अप्रचलन में नहीं है, तो हम बोलेंगे अप्रचलन हो गया है, ऑब्सोलेट हो गया है, अब टीवी पतला हो गया है, पहले टीवी मोटा था, अब टीवी पतला हो गया, बट अब देखने वाले जो है बहुत सारा जंक फूड खा के मोटे हो गए। तो कहने का मतलब है हमें तो बस ये दो बातों पे ध्यान देना है कि पहले टीवी मोटा था, अब आउट ऑफ फैशन हो गया है मोटे टीवी का, अब मोटा टीवी जो है कबाड़ी वाला 100 रुपये में भी 500 रुपये में भी नहीं ले जाता, कलर टीवी जो पहले 20-20 हज़ार के आते थे, क्योंकि वो टीवी बिल्कुल सही है, बिल्कुल काम कर रहा है, बिल्कुल चल रहा है, बट उसका फैशन नहीं होने की वजह से और वो आउटडेट आउट ऑफ फैशन होने की वजह से वैल्यू कम हो गई है। तो ये बच्चों तीन कारण हमने समझे, डेप्रिसिएशन के कारण समझे, क्या कारण है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑब्सोलेंसेस के ऊपर, फिर हम डिटेल में पढ़ते हैं। हम तो एक टॉपिक हमने उठाया है डेप्रिसिएशन, फिर उसके कारण, फिर उसके अंदर जो डीप और डिटेल्स में जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्सोलेंसेस, अप्रचलन, अप्रचलन का मतलब जो चीज़ अब प्रचलन में नहीं है, जिसका फैशन अब मार्केट में नहीं है, जैसे मोबाइल है, तो पहले मोबाइल कीपैड वाले थे, फिर कीपैड का फैशन गया, वाइट वाले आए, फिर धीरे धीरे टच वाले आए, स्मार्ट आए, अब धीरे धीरे हर कंपनी जो है हर बार एक नया वर्जन का मोबाइल निकालती रहती है, पुराने जो है आउटडेट हो जाते हैं। तो ऑब्सोलेंसेस मतलब जो मार्केट में अब मार्केट में जिसका फैशन अब नहीं है। तो ऑब्सोलेंसेस भी यहाँ पे दो प्रकार के हैं, एक एक्सपेक्टेड है प्रत्याशित, और दूसरा है अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित। एक्सपेक्टेड का मतलब है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होगा, जिसकी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं एक्सपेक्टेड, और जिसकी हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करते अनएक्सपेक्टेड। जैसे अभी किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं करा था कि ये इतनी बड़ी महामारी आएगी, इतनी बड़ी इमरजेंसी लगेगी, लॉकडाउन हो जाएंगे सब लोग, ये अनएक्सपेक्टेड है। जो कोरोना जो वायरस आया ये अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड होता है इसे कैपिटल लॉस भी कहते हैं, इसे पूंजीगत हानि भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड जो प्रत्याशित है उसे समझते हैं हम लोग। इट रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। आए दिन सबको पता है, सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है और डिमांड का जो पैटर्न है वो भी चेंज होता रहता है, और जिससे जो है जो मशीन जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो आउटडेट हो जाती हैं। तो जब हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आए दिन चेंज होगी, मशीनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हम उसे एक्सपेक्टेड कहते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल है, सभी जानते हैं कि आए दिन नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो धीरे धीरे मोबाइल का जो है वो चेंज होता चला गया। पहले लैंडलाइन मोबाइल होते थे, फिर धीरे धीरे जो है आप देख रहे हो, और आज जो है लास्ट में स्मार्टफोन चल गए। तो ये आए दिन टेक्नोलॉजी में चेंज है, जिससे डिमांड भी चेंज हो गई है। तो पहले ये धीरे धीरे मोबाइल का हमने उदाहरण दिया कि 2000 में मोबाइल कैसा था कीपैड वाला, आज 2020 में मोबाइल स्मार्टफोन है पूरा। तो ये एक प्रकार से टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन है, टेलीफोन टू स्मार्टफोन आ गए। तो ये एक्सपेक्टेड है, सभी जानते हैं कि आए दिन टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी, ठीक है। और ये पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। और बेटा ध्यान रखना बेटा सब बच्चे, कि एक्सपेक्टेड जो ऑब्सोलेंसेस है, प्रत्याशित जो अप्रचलन है, यही डेप्रिसिएशन का पार्ट है। डेप्रिसिएशन में इसे ही काउंट करते हैं। तो अगर इसकी वजह से, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस की वजह से किसी भी मशीन की वैल्यू कम होती है, तो वो डेप्रिसिएशन का पार्ट है, यह है डेप्रिसिएशन का पार्ट है, ठीक है। और इसको मैनेज कैसे किया जाता है, ये जो एक्सपेक्टेड, जब हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज होने से वैल्यू कम हो गई है, तो इसके लिए हर कंपनी हर फर्म एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूल्यह्रास आरक्षित कोष। जितना मशीन का वैल्यू कम होता जाता है, उतना पैसा भी कस्टमर से ही चार्ज किया जाता है,
और कस्टमर से चार्ज करके उस पैसे को एक फंड में रखा जाता है ताकि फर्में कल को दोबारा से नई मशीनें परचेज कर सकें। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का मतलब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसिस की वजह से, टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से जब मशीनों की वैल्यू कम हो जाती है, और जितनी मशीनों की वैल्यू कम होती जाती है उतना पैसा फर्में एक फंड में रखते हैं और वो पैसा भी कस्टमर से ही चार्ज किया जाता है, तो उसे फिर कल को उस पैसे को मिला के और मशीन को जो है स्क्रैप में बेच के सभी फर्में नई मशीनें खरीदते हैं और पुरानी को रिप्लेस करते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब बच्चों अनएक्सपेक्टेड, जिसे हम कैपिटल लॉस भी कहते हैं, ये भी वही बताता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बट इसका कारण अलग है। इसका कारण है नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी का मतलब क्या है? प्राकृतिक आपदा, भाई बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया। और एक और है इकोनॉमिक रिसेशन। रिसेशन का मतलब है डिमांड का कम होना, अचानक ही डिमांड का कम होना। ठीक है, तो इसको भी हम समझते हैं अनएक्सपेक्टेड। जैसे बाढ़ आ गई तो नेचुरल कैलेमिटी, इसकी वजह से भाई बाढ़ आ गई है, फर्मों में आग लग गई है कारखाने में, तो सारी मशीनें, सारा फर्नीचर, सब का वैल्यू कम हो जाएगा। भाई जली हुई मशीन है, उसमें जो है आग लगने से मशीनों की हालत और फर्नीचर, तो सब जब उसे स्क्रैप में बेचा जाएगा तो बहुत सस्ता बिकेंगे। इकोनॉमिक रिसेशन का मतलब क्या है? धीरे धीरे डाउन, डाउन आने का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड का कम होना, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड का कम होना। ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होता। अनएक्सपेक्टेड की वजह से जो मशीन की वैल्यू कम होती है उसे हम डेप्रिसिएशन में काउंट नहीं करते। तो यहाँ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस में डिफ्रेंस आपने समझना है। तो अनएक्सपेक्टेड जो हमने कैपिटल लॉस होता है, जो उसकी वजह से जो मशीनों की वैल्यू कम हो जाती है, वो डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होता। हम केवल एक्सपेक्टेड लेते हैं। और इसको कहाँ से मैनेज किया जाता है? इसको बच्चों इंश्योरेंस कंपनी, जब किसी फर्म में आग लग जाती है किसी कारखाने में, तो उसका पैसा फिर इंश्योरेंस वाले देते हैं, बीमा कंपनी पैसा दे देती है। तो कंपनी को तो पैसा मिल गया ना, फर्म को तो पैसा मिल गया, तो वो कस्टमर से क्यों चार्ज करेंगे? कस्टमर से तो एक्सपेक्टेड जो डेप्रिसिएशन आया है, इसलिए डेप्रिसिएशन का जो पार्ट है वो एक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है। तो बच्चों यहाँ एक ही टॉपिक चल रहा है हमारा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग कि अगर हमें आंसर लिखना है, ये तो हमने समझ लिया, अभी हमने डेप्रिसिएशन समझा है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को बच्चों कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में घिसावट जो है उसको स्थाई या स्थिर पूंजी का उपभोग, या एक और नाम है कभी कभी इसे मूल्यह्रास भी कहते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। फिर अब है कि जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कम होना, इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल एक्सीडेंटल लॉसेस एंड फोरसीन होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। तो बच्चों अगर हमें आंसर लिखना है, हमें डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का आंसर लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, तो वो ये हमने लिखा। और इसमें अगर आप बच्चों ध्यान दोगे तो वही पॉइंट्स हैं जो हमने समझे थे, जिसमें हमें डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, वैल्यू का कम होना, फिर हमें कारण भी बताने कि डेप्रिसिएशन वैल्यू कम क्यों हो रही है। ठीक है, उसके बाद हिंदी में भी समझ लेते हैं हम लोग। प्रत्येक फर्म की स्थायी पूंजी जैसे मशीनरी, भवन, औजार आदि के मूल्य में वर्ष के दौरान प्रयोग करने से सामान्य टूट फूट, सामान्य दुर्घटना तथा प्रत्याशित अप्रचलन के कारण कमी हो जाती है, इसी कमी को स्थायी पूंजी का उपभोग अथवा घिसावट कहते हैं। तो बच्चों ये आंसर लिखते समय आपने ये इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज को यूज करना है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमें भाई आंसर जो है किस तरीके से हमें बताना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल लॉस, माना अलग से पेपर में आता है कि आप कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल
और कैपिटल लॉस के बीच में डिफरेंस बताओ। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है, वो तो मतलब वही है ना, वैल्यू का कम होना, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, वही डेफिनेशन लिख देनी है। तो जो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन आपने लिखी थी वही लिखनी है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल में, कि वैल्यू कम हो जाती है और तीन कारण होते हैं। अब यहाँ कैपिटल जो लॉस है उसमें तो जो वैल्यू कम होती है उसकी वजह क्या है, नेचुरल कैलेमिटी, कोई भूकंप आने से, आग लगने से या एक्सीडेंटल लॉस होने से, इससे जो वैल्यू कम होती है आग लगने से, ये अनएक्सपेक्टेड है। तो कैपिटल लॉस होता है अनएक्सपेक्टेड, लेकिन जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है उसमें अनएक्सपेक्टेड हम काउंट नहीं करते, और ये हमेशा नेशनल इनकम काउंट करते समय इसे डिडक्ट किया जाता है, इसे घटाया जाता है। बट जो कैपिटल लॉस है उसे जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय कंसीडर किया जाता है, उसे हम कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हमेशा जब हम एसेट्स यूज करते हैं तब होता है, बट अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, तुमने कोई चीज़ यूज भी नहीं करी, अब अचानक आग लग गई, अचानक से मार्केट में रिसेशन आ गया, तो बिना यूज करे भी वैल्यू कम हो गई, तो वो हमारा कैपिटल लॉस है। ठीक है, तो ऐसे ही चौथा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब, जब हम फिक्स कैपिटल यूज करते हैं तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है, तो इसको हम कहाँ से मैनेज करते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। बट कैपिटल लॉस जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस है, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया था, उसको कवर किया जाता है बीमा कंपनी और जो इंश्योरेंस कंपनी है वहां से कवर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों अगर पूछा जाएगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस है, तो ऐसे आपने डिफरेंस बताना है। ऐसे हिंदी में बेटा स्थायी पूंजी का उपभोग तथा पूंजी का हानि, स्थायी पूंजी के उपभोग में तो आप वही डेफिनेशन लिखोगे कि नॉर्मल जो है सामान्य टूट फूट से, दुर्घटना से और अप्रत्याशित, उनकी वजह से जो मशीनों की वैल्यू कम हो जाती है एक वर्ष में उनका यूज करने से, उसे हम स्थायी पूंजी का उपभोग कहते हैं। ठीक है, अब जो पूंजीगत हानि है वो होता है अप्रत्याशित अप्रचलन या प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप आदि के कारण अगर मशीनों के मूल्य में जो कमी होती है उसे पूंजीगत हानि कहते हैं। अब जो स्थायी पूंजी का उपभोग है उसे राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय घटाया जाता है। ठीक है, बट जो पूंजीगत हानि है उस पर विचार किया जाता है, उसे घटाया नहीं जाता। तीसरा, स्थायी पूंजी का उपभोग का प्रयोग जो है स्थिर साधनों का प्रयोग करने से मशीनों की वैल्यू कम होती है, बट पूंजीगत हानि में बिना प्रयोग करे भी मशीनों की वैल्यू कम हो जाती है। चौथा पॉइंट, स्थायी पूंजी का उपभोग जब मशीन की वैल्यू कम होती है तो कस्टमर से चार्ज किया जाता है और उस पैसे को एक फंड में रखा जाता है और वहां से उसे मैनेज किया जाता है। बट जो पूंजीगत हानि होती है वो बीमा कंपनियों से कंपनियां फर्में ले लेती हैं, वहां से पूरा किया जाता है। तो बच्चों ये आंसर ऐसे करके लिखना है। और अब एक बच्चों लास्ट टॉपिक है, बस लास्ट पेज है हमारा, थोड़ा सा रखो बड़ा ध्यान, ग्रॉस और नेट, ये गोल्डन रूल है बेटा। अगर ग्रॉस को आप ये ग्रीन वाला एरो देखो, ग्रॉस को नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, और यदि नेट में आप डेप प्लस कर दो तो ये येलो वाला देख रहे हो तो ग्रॉस बन जाएगा। तो ग्रॉस में डेप माइनस करो तो नेट, और नेट में डेप प्लस करो तो ग्रॉस। तो ग्रॉस को नेट बनाना है, नेट को ग्रॉस बनाना है, ये डेप्रिसिएशन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ। तो डेप्रिसिएशन को ही प्लस माइनस करके, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ही प्लस माइनस करके हम ग्रॉस और नेट बनाते हैं। तो नेट मतलब इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, और ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, और यही हमें डेप निकालना है तो ग्रॉस में से नेट घटा दो। तो बेटा ये हमारी जो है ये डेप्रिसिएशन हमारा, तो डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं, जिसे घिसावट, तो घिसावट को स्थायी या स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं।